केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ सिंधु बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन 67वें दिन में प्रवेश कर गया है। प्रशासन ने सिंधु बॉर्डर दिल्ली हरियाणा सीमा पर भारी सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। वहीं गतिरोध को कम करने के लिए किसानों और केंद्र सरकार के बीच अगले दौर की बातचीत 2 फरवरी को तय है। दूसरी तरफ गाजीपुर बॉर्डर दिल्ली उत्तर प्रदेश सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन का आज 65वां दिन है। पिछले दिनों बने हालात के बाद विरोध स्थल पर किसानों के आने की संख्या बढ़ गई है, जिसको देखते हुए सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। किसान लगातार कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। इस दौरान सार्वजनिक सुरक्षा को बनाए रखने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 29 जनवरी की रात 11 बजे से 31 जनवरी के 11 बजे तक 3 सीमाओं और उनके आसपास के क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। वहीं दिल्ली पुलिस ने एहतियातन NH-24 को बंद कर दिया है। न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।